एक अद्भुत कहानी जिसमें दिखी श्री कृष्ण की भक्त के प्रति प्रेम और स्नेह। कन्हैया की ये अद्भुत कथा भक्त के लिए जब कर दिया ऐसा अनोखा काम, तो चलिए आरंभ करते हैं ये सुंदर कथा से। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पाँव दौड़ आते हैं। वही बात जब कन्हैया की है तो कहने ही क्या, अपने भक्तों के लिए वो ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितने ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया, तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वो दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वो मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी ये सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पे सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वो भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए,
ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वो खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद है। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कान्हा जी को एक का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी की का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर मन, श्रद्धा, अपनी आत्मा से अगर हम भगवान की सेवा में रहते हैं तो भगवान भी हमें हर कष्टों से मुक्त करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति हमेशा श्रद्धापूर्वक ही निभानी चाहिए। धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए।